समय न्यूज मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के खास प्रोग्राम फ्लैशबैक बॉलीवुड में। फ्लैशबैक बॉलीवुड में हम बीते सिनेमा की बात करते हैं, हम कुछ पुराने किस्सों को अक्सर ही आप सभी के सामने लेकर हाजिर होते हैं और कभी कभी आपकी यादें ताजा कर देते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही बीती बातों को हम लेकर हाजिर हैं आप सभी के सामने और आज हम आपको बताएंगे सुपरस्टार सलमान खान और सरोज खान के बारे में। दोस्तों बता दें कि कुछ समय पहले या यूं कहें कि सालों पहले फिल्म अंदाज अपना अपना फिल्माई थी बड़े पर्दे पर। इस फिल्म में सलमान खान के साथ एक्टर आमिर खान, एक्ट्रेस रवीना टंडन और करिश्मा कपूर होती हैं। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। यह फिल्म उस जमाने की सबसे बुरी फिल्मों में गिनी जाती है। लेकिन वहीं जहां उस समय पर आमिर खान एक काफी बड़े स्टार थे, तो सलमान खान उस समय अपना पैर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जमा रहे थे। लेकिन वहीं बता दें कि इस फिल्म का एक गाना शूट किया जाना था। इस गाने की शूटिंग के दौरान सलमान को ये लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। दरअसल कोरियोग्राफर सरोज खान जो इस गाने के डांस मूव सिखा रही होती हैं स्टार्स को, सलमान को लगता है कि वो आमिर खान को ज्यादा अच्छे स्टेप्स बता रही हैं और उन्हें काफी बुरे बुरे, जिसके चलते खबरों की माने तो सलमान खान ने सरोज खान को काफी बुरे बुरे शब्द भी कह डाले थे। और इस बात का खुलासा खुद सरोज खान ने भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि फिल्म की शूटिंग के बाद सलमान ने उन्हें काफी कुछ कहा था बुरा बुरा और वो उन बातों का खुलासा हर किसी के सामने कर भी नहीं सकती, ऐसे शब्द का इस्तेमाल सलमान ने किया था। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आप सभी को कि क्या कुछ कहा सरोज खान ने सलमान खान को लेकर, वही सलमान का क्या नजरिया था इस फिल्म को लेकर। अब जहाँ हम अक्सर ही बात करते रहते हैं स्टार्स के रिश्तों के बारे में, स्टार्स के रियल लाइफ के बारे में, तो साथ ही साथ फिल्मी पर्दे की कहानियों के बारे में, तो वहीं आज हम बात करने वाले हैं फिल्म अंदाज अपना अपना के बारे में। साल 1994 में आई यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तरीके से फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म में एक्टर सलमान खान के साथ आमिर खान और रवीना टंडन, साथ ही साथ करिश्मा कपूर मुख्य किरदार में नजर आए थे। यहाँ तक कि इस फिल्म में सलमान की जोड़ी रवीना के साथ पाई थी और अगर देखा जाए तो तब से लेकर अब तक ये दोनों कभी भी एक साथ नजर नहीं आए। यह फिल्म उस समय की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में गिनी जाती है। वही अंदाज अपना अपना फिल्म का नाम सुनते ही भले ही चेहरे पर मुस्कान आ जाए, लेकिन यह फिल्म अपने दौर की फ्लॉप फिल्मों से एक थी। हालांकि समय के साथ दर्शकों ने इसे देखा और पसंद भी किया। सलमान और आमिर की ऑन स्क्रीन जोड़ी भी खूब जमी। हालांकि फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान और आमिर के बीच मन मुटाव की खबरें भी आई थी। दरअसल सलमान को इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें पीछे किया जा रहा है आमिर खान से। सलमान 24 साल पहले इस फिल्म में नए एक्टर के तौर पर थे। फिल्म में एक गाने ये रात और ये दो की शूटिंग हुई और इसे मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान ने कोरियोग्राफ किया था। गाने में सलमान, रवीना, आमिर और करिश्मा तीनों को फरमाया गया था। लेकिन सलमान को लग रहा था कि गाने में सरोज ने उनकी जगह पर आमिर को बेहतर डांस स्टेप्स दिए और वो आमिर के सामने फीके पड़ रही है। बस इसी बात को लेकर सलमान और सरोज में काफी बहस भी हुई, जिसके बाद इन दोनों ने कभी भी साथ में काम नहीं किया। लेकिन वही बता दें कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है, यहाँ तक कि सरोज खान ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया कि इस बात से कि फिल्म में आमिर खान को बेहतर डांस स्टेप्स दिए गए, सलमान इतना ज्यादा नाराज हो चुके थे कि उन्होंने मैसेज करके सरोज खान को काफी बुरे बुरे शब्द भी कह डाले। जी हाँ दोस्तों, खुद सरोज खान ये बात बताती है कि आमिर खान और उन्हें लेकर सलमान काफी भड़क गए थे और उन्होंने काफी बुरी बुरी बातें कही थी उससे। साथ ही साथ सलमान ने सरोज को ये भी कहा कि वो जब एक दिन बड़े सुपरस्टार बन जाएंगे तो उनके साथ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। अगर देखा जाए तो इतने सालों से वाकई सरोज और सलमान एक दूसरे के साथ काम करते नजर नहीं आए, क्योंकि उस समय जहाँ सलमान को ये बात फील हुई थी, महसूस हुई थी कि आमिर खान को उनसे ज्यादा अच्छे स्टेप्स दिए जा रहे हैं, तो इस बात को लेकर वो कोरियोग्राफर सरोज खान पर इतना ज्यादा भड़क चुके थे कि उन्हें काफी बुरे बुरे शब्द तक कह डाले थे।
तो साथ ही साथ कोरियोग्राफर सरोज खान ने ये भी कहा कि उन्होंने खुद से कुछ नहीं किया। फिल्म डायरेक्टर ने उन्हें जो करने के लिए कहा उन्होंने तो सिर्फ वही किया है। लेकिन ना जाने क्यों सलमान को ऐसी कौन सी बात ज्यादा दिल पर लग गई कि वो उस समय आमिर से भी नाराज हो बैठे और साथ ही साथ सरोज खान से भी, जिसके चलते इन दोनों के बीच कभी नहीं है। और अगर देखा जाए तो सलमान ने उसने सरोज खान के साथ काम नहीं किया है। हालांकि आज भी वो अपने सुमन भुट्टा को लेकर चर्चा में जरूर रहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो सलमान अपने गुस्से के चलते अक्सर ही चर्चा में बने नजर आते हैं। पर कोई जानता है कि सलमान कभी भी कहीं भी किसी पर भी फड़क जाते हैं, उन्हें कभी भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन गुस्से का शिकार बॉलीवुड के तमाम सितारे होते नजर आते हैं। लेकिन जिस समय पर सलमान ने सरोज खान पर अपना गुस्सा उतारा था, माने खबरों की तो उस समय वो फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे और अपने पैर पूरी तरह से जमाने की कोशिश कर रहे थे। बावजूद इसके वो जानी मानी कोरियोग्राफर सरोज खान वो इस तरह से घिर चुके थे कि ना जाने उन्होंने उनको क्या क्या कह डाला। सरोज खान खुद इस बात से कह रही है कि वो बातें बता भी नहीं सकती कि सलमान ने उन्हें क्या कुछ कहा था। वह अगर देखा जाए तो सलमान खान के गुस्से का शिकार हो लोगों को अक्सर ही देखा जाता है और कई बार ये खबरें सामने भी आती हैं कि किसी ना किसी बात को लेकर सलमान भड़क जाते हैं और अपने सामने वाले को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। लेकिन वहीं अगर हाल ही पर गौर किया जाए तो सलमान खान सिर्फ और सिर्फ इन दिनों अपनी फिल्मों पर फोकस करते हैं और अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से किसी के साथ दिल की झड़प की कोई खबर नहीं आ रही। यानी कहीं ना कहीं सलमान ने अपने गुस्से पर बेहद कंट्रोल किया है और जहाँ पहले वो बार बार पर लोगों से घर जाया करते थे, वो अब किसी से करते नजर नहीं आती। बजाय इसके वो हर किसी से काफी प्यार से बात करते नजर आते हैं। यानी सलमान कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से काफी कुछ सीख चुके हैं। सलमान खान ने सरोज खान को ये बात कह दी थी कि वो उनके साथ काम नहीं करेंगे अगर एक बड़े सुपरस्टार बन गए तो। अगर देखा जाए तो साल 1994 के बाद सलमान और सरोज खान कभी भी एक साथ नहीं आए। उस समय के बाद इन दोनों ने कभी भी साथ में काम नहीं किया। हालांकि कहा जाता है कि उसी समय की इस लड़ाई के चलते सलमान ने कभी भी सरोज के साथ काम करना पसंद नहीं किया। लेकिन वहीं सरोज की माने तो उन्होंने तो वही किया था जो फिल्म डायरेक्टर ने उन्हें करने के लिए कहा था। लेकिन ना जाने क्यों सलमान को ये लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, क्योंकि आमिर खान एक बड़े सुपरस्टार थे और सलमान खान को एक स्टार का रोल भी उस समय ढंग से नहीं मिल पा रहा था। वेल दोस्तों, ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।